गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज वो श्रीनगर पहुंचे हुए हैं। वहाँ पर अभी कुछ देर पहले संबोधित भी कर रहे थे अपने मेंबर्स को, और कल वो भगवती नगर में यहाँ पर एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले थे। और इस समय जहाँ पर वो संबोधित करने वाले थे, हम उसी स्पॉट पे खड़े हैं। और खबर ये है कि यहाँ पर कल वो संबोधित इस स्पॉट के ऊपर संबोधित नहीं करेंगे। उसका कारण ये है कि आज सुबह से ही, या हम यूँ कहें रात से ही, बारिश जो है वो हो रही है। उसकी वजह से इस ग्राउंड का, भगवती नगर में ये जो ग्राउंड है कभी किनारे, इस ग्राउंड की खस्ता हालत है, बुरी हालत है। पानी यहाँ पर हो गया है। तैयारियाँ बड़ी जोर शोर से यहाँ पर की गई थी, लेकिन सारा का सारा जो प्लान था वो चौपड़ कर दिया गया इंद्रदेव की तरफ से। और यहाँ आप देखें, ये चेयरें जो हैं वो गिरी हुई हैं। और अंदर यहाँ पे अभी शेड बनाया गया है। अगर आप ऊपर दिखाएंगे तो ये पूरा एक शेड बनाया गया, प्रॉपर बैठने की व्यवस्था है। चेयरें लगाई गई थी, पिछले एक सप्ताह से ये तैयारियाँ चल रही थी, लेकिन इस शेड के होने के बावजूद भी यहाँ पर पानी ही पानी हो गया है। और अब यहाँ पर इसकी पैकिंग की जा रही है। यहाँ पर गाड़ियाँ देखें, इस तरफ गाड़ी, ये गाड़ी लगाई गई है। इस गाड़ी में जो है, इसमें सामान डाल के जो है वो लेकर जाया जा रहा है। तो तैयारियाँ जो है वो इंद्रदेव ने पूरी तरह से चौपट कर दी हैं। लेकिन अब ये रैली कहाँ पर संबोधित होगी, रैली होगी नहीं होगी, और क्या होगा, क्या प्लान है, इसकी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना ही सुनने को मिल रहा है कि जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम, वहाँ पर कल गृह मंत्री जो हैं वो संबोधित कर सकते हैं। प्लान शेड्यूल अभी तक तो मालूम नहीं है कि वो कितने बजे वहाँ पर संबोधित करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में वो कल संबोधित करेंगे। क्या क्या बातें रखेंगे, वो क्या तोहफा देंगे, क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन आज जो इस ग्राउंड की हालत बारिश ने की है, इतनी ज़्यादा बारिश होने की वजह से, ओले गिरने की वजह से यहाँ पे सारा का सारा कार्यक्रम चौपड़ हो गया है, पूरी की पूरी तबाही हो गई। ये देखें लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये ठंड भैया, ठंड ज़्यादा ठंड लग रही है? हाँ सर, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ये कितने दिनों से आप काम कर रहे थे यहाँ? 20 तारीख से। 20 तारीख से? हाँ। तो अब ये सामान पैक कर रहे हैं? हाँ, पैक कर रहे हैं, कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो ये इतना बड़ा, ये सब आपने बनाया? हाँ, हमें लोग बनाए हैं इसको। कितने दिन लगे थे? ये तो 2 दिन लगा था बनाने में। अब ये वापस उतार रहे हो? हाँ, उतार रहे हैं इसको वापस। जब प्रोग्राम ना होगा तो इसको क्या करेंगे, खड़ा रख के? हाँ, कल इसको वापस उतार लेना है। तो काफी ठंड हो गई है? हाँ, बहुत ठंड हो गई है। देखो, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। हम थोड़ा आपको स्टेज भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जिस स्टेज पर कल गृह मंत्री जी संबोधित करने वाले थे। पानी हो गया यहाँ पर, चलने की भी जगह नहीं बची है, लेकिन फिर भी हम प्रयत्न करेंगे आपको वो स्टेज दिखाएं। और रंग देखें आप, क्योंकि जो रंग है इस स्टेज का वो हम आपको दिखाएंगे, तो आप भी देखकर ज़रूर अपने विचार प्रकट करेंगे आपको कैसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर इस ग्राउंड का कचरा हो गया है, ओले गिरने से, पानी गिरने से सारी की सारी जो है वो तबाही हो गई है। और आज जब गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुँचे हैं, तो वो सबसे पहले परवेज़ अहमद, जो इंस्पेक्टर जिनको आतंकवादियों ने मार दिया था, उनके परिवार से मिले, उनकी पत्नी से मिले। वहाँ की तस्वीरें भी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई भी थी। लेकिन अब ये रंग देखें, ये आपको हम रंग दिखाना चाह रहे हैं, स्टेज का रंग देखें, केसरी रंग, और अच्छा लगता है, कलर काफ़ी प्यारा है। लेकिन जिन मंशाओं को लेकर ये सब किया जा रहा था, और इससे पहले भी हमने आपको यहाँ पर कवरेज करके दिखाई होगी, यहाँ पर अशोक कोल जी आए थे, उनसे भी हमने बात की थी, उनके कार्यकर्ताओं से भी बात की थी, तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और वो ये कहते थे कि हम यहाँ पर एक भव्य रैली होगी, बहुत बड़ी रैली होगी, यहाँ पर अमित शाह जब आएंगे तो लोगों को संबोधित करेंगे, आप देखते सारे के सारे लोग देखते रह जाएंगे, क्योंकि धारा 370 के बाद
गृह मंत्री अमित शाह पहली बार जम्मू दौरे पर आ रहे हैं और यहाँ पर संबोधित करेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रसन्नता थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी। लेकिन उस प्रसन्नता, उस खुशी पर जो उनकी खुशी थी, उसको चौपट किया है इंद्रदेव ने और बारिश हुई है और ये सारा कार्यक्रम अब यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब यहाँ से शिफ्ट करके इसे जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम वहाँ पर किया जाएगा। कितने बजे किया जाएगा, शेड्यूलिंग क्या है, टाइमिंग क्या है, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन इतनी सी जानकारी है कि जनरल जोरावर सिंह, क्योंकि जब मोहन भागवत जी आए थे तो उन्होंने भी वहाँ पर संबोधित किया था, तो ये सारे लोग जो हैं वहाँ पर कल एकत्रित होंगे और वहीं पर हो सकता है वहीं पर संबोधित करें, क्योंकि अभी कल का भी ये पता नहीं है कि कल किस तरह का मौसम रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी भी कल आए थे, उन्होंने इस जगह का मुआयना किया था और वो जब यहाँ पर आए थे उन्होंने देखा था कि किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही हैं, की गई हैं। अमित शाह जी के आने से पहले हर तरह की मुआयना जो थे, सिर्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी नहीं, उसके अलावा भी और भी काफ़ी लीडर जो थे वो यहाँ पर चक्कर लगा रहे थे, घूम रहे थे और देख रहे थे कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लोग काफ़ी प्रसन्न थे, उनके सारे कार्यकर्ता काफ़ी प्रसन्न थे कि जब अमित शाह जी आएंगे तो वो क्या करेंगे। सबके अपने अपने ख्याल होते हैं और ये भी कह रहे थे कि बहुत सारा ज़्यादा लीडर जो हैं, बड़े बड़े लीडर भी कल ज्वाइन करेंगे और गृह मंत्री क्या कहेंगे ये बड़ा प्रश्न है कि वो कल क्या कहने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को जब वो संबोधित करेंगे तो वो क्या कहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट प्रदर्शन करते रहते हैं, उनकी मांगों के ऊपर भी कोई कुछ फैसला लिया जाएगा। दूसरा, 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो है उसकी घोषणा की जाएगी, नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो भी लोग बहुत लंबे समय से विरोध कर रहे हैं और अब तो उनका विरोध और ज़्यादा उग्र होता जा रहा है। वो आज तभी पुल बंद कर रहे थे, आज तो मौसम ने थोड़ा सा मौसम बदल गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा हंगामा हल्ला होता और आप तस्वीरें देखते। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी इसके ऊपर क्या मोहर लगेगी, क्या छुट्टी मिलेगी, नहीं मिलेगी और क्या क्या बातें होंगी, ये सब बातें देखने वाली होंगी। लेकिन यहाँ पर भगवती नगर के अंदर ये जो कार्यक्रम जिस स्पॉट पे होने वाला था वहाँ पर रद्द हो गया है और जनरल जोरावर सिंह में ये कार्यक्रम कल हो सकता है। टाइमिंग क्या है वो नहीं पता है, लेकिन कल कार्यक्रम जनरल जोरावर सिंह में हो सकता है। बाकी आप देख रहे हैं दैनिक क्षण समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दे इजाज़त, नमस्कार।